चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी अनरेस्ट हो, 2016 हो, चाहे कुछ भी हो, फ्लड्स हो, हमने हर टाइम पे हमने अपनी फैमिलीज छोड़े, अपने बच्चे छोड़े और हम आ गए यहाँ पे पेशेंट केयर करने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई होंगी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी सेहत गंवाई है। हमें अचानक से ये नोटिस मिल रहा है कि आप जी डिसएंगेज हो गए हैं। हमारे पीछे भी फैमिलीज है, हम भी अकेले नहीं है, फैमिलीज है, हम भी डिग्री होल्डर्स है, हम बैकडोर एंट्रीज नहीं है। कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे बोलते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज है। हमने भी MSc किए हुए हैं, हमने भी BSc किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठ के आ गए और यहाँ नर्सिंग काम कर रहे हैं या टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए। और हमारा एक चीज़ है कि अगर हमारा SRO एक ही है, हमारे 350 पेटिशनर्स ऐसे हैं जिनकी फाइल पास हो गई है, ऑर्डर आ गया है, और हम ऐसे 93 है जिनका अभी ऑर्डर कुछ भी नहीं हुआ है। और ये हमें नोटिस दे रहे हैं अचानक से कि आप जी यहाँ से डिसएंगेज हो गए हो, अब आप ड्यूटी नहीं आ सकते हो। हम ड्यूटी आ रहे हैं तो हमें MS बोल रहे हैं नहीं जी आप ड्यूटी नहीं दे सकते हो, आप अनऑथराइज्ड हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो हमारे हॉस्पिटल में। इन्होंने अचानक से ये बिना नोटिस के ही हमें ये चीज़ बाहर निकाला है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे सेक्शन इंचार्जेस हैं, उन्होंने चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर करना है, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं ऐसे ही वहाँ पे छोड़कर यहाँ पे आए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट केयर सफ़र हो, और हम पढ़े लिखे यूथ हैं, हम ये नहीं चाहते सड़क पे धरना दे, सड़क ये करे। आपकी वसादत से हम ये चाहते हैं कि हमें भी इंसाफ मिले। हमने अपनी पूरी जवानी इसको दी है, इस डिपार्टमेंट को दी है। हमने कोविड में जब था या 2019 अनरेस्ट था, जब इससे पहले भी जितनी सिचुएशन है, हम उन फ्लड सिचुएशंस थी, हमने उनमें काम किया है और हम फ्रंट लाइन जो है वॉरियर्स थे। और हमें बहुत सारे नवाजे गए हुए, हमें बहुत इज्जत दी गई थी, नहीं आपने जान बचाई। जबकि हमने हर एक टाइम पे चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी अनरेस्ट हो, 2016 हो, चाहे कुछ भी हो, फ्लड्स हो, हमने हर टाइम पे हमने अपनी फैमिलीज छोड़े, अपने बच्चे छोड़े और हम आ गए यहाँ पे पेशेंट केयर करने के लिए। लेकिन लास्ट में हमें क्या मिलता है, विदाउट नोटिस, विदाउट हम ड्यूटी आ रहे हैं और हमें यहाँ पे नोटिस मिल रही है ये MS की तरफ से कि आप जी यहाँ से डिसएंगेज हो, आप यहाँ से जा सकते। अगर SRO सेम है, अगर हमारे बाकी जो कैंडिडेट्स है वो आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें भी आराम से अपनी ड्यूटी करने दें जैसे हम कर रहे हैं। और अगर और जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है उसे मेहरबानी करके रिवोक करें और हमें अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करने दें और पेशेंट, ताकि पेशेंट केयर सफर ना हो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई होंगी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी सेहत गंवाई है। किसी को निमोनिया 2-3 बार हुआ, किसी को लंग कोलैप्स हो गया, तो किसी को जो कोई अपाहिज हो गया इसकी वजह से इनके जब अनरेस्ट था। तो हम बस यही चाहते हैं, हमारी दरख्वास्त है, हम बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मेहरबानी करके हमें भी जो है वो टाइम पीरियड तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं सुनाती है, तब तक हमें कंटिन्यू और अपने जो ऑर्डर प्रिंसिपल ने निकाला है वो रिवोक करें, मेहरबानी करें। हम खिदमत के लिए हैं, हम हमेशा खिदमत करें। ये 94 लोग नहीं है, 94 ये 94 फैमिलीज है जो कि अर्निंग हैंड्स हैं अपने, और ये किसी के हाथ कट देना कौन सा जस्टिस है। आप वहाँ पे MRI मशीन्स दे रहे हैं लेकिन MRI टेक्नीशियंस यहाँ बैठे, आप थिएटर बना रहे हैं लेकिन थिएटर असिस्टेंट्स यहाँ ही बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ नर्सेस हॉस्पिटल बना रहे हैं लेकिन स्टाफ, एक्सपीरियंस स्टाफ जो है, जो जिम्स हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हैं।